Hi guys, welcome back to our channel Wandering Dero. मैं हूँ रितुजा और ये है रोहन. और आपने हमारे प्रीवियस वीडियो में देखा होगा कि हमारी 5 कंट्री यूरोप ट्रिप में हमारा पहला स्टॉप है ऑस्ट्रिया, जहाँ हम एक्सप्लोर करेंगे इस ब्यूटीफुल कैपिटल को जिसका नाम है वियना. सो हम लोगों ने यहाँ पे एक 48 आवर्स का पास ले लिया है, जिसमें हम लोग को 14 यूरोस पर पर्सन में अनलिमिटेड पब्लिक ट्रांसपोर्ट का एक्सेस मिलेगा. बसेस, ट्राम्स, ट्रेन, एवरीथिंग. हम लोग 2 दिन के लिए यहाँ पे, सो इट वॉज द आइडियल फॉर अस. मुंबई मेट्रो वाली तो ये हम आ गए मेट्रो स्टेशन पे. चलिए चलते हमारे घर की तरफ. यहाँ हल्की हल्की सी बारिश भी होने लग गई है. नजारा देखिए कितना अच्छा लग रहा है. इतना ओपन स्काई तो कभी देखा ही नहीं है मुंबई में. बहुत ही अच्छा लग रहा है. हे गाइस, हम यहाँ आ गए. दिस इज़ वेयर वी आर गोइंग टू स्टे. ये शॉनब्रन पैलेस के पास है. शॉनब्रन स्टेशन से हम 650 मीटर यहाँ चल के आए. एंड काफ़ी लंबा वॉक था, बहुत विंडी था, बीच में एक बार बारिश भी होने लग गई. तो दैट वे वेदर थोड़ा चेंज हो रहा है, कभी थोड़ी गर्मी, कभी थोड़ी सर्दी. बट धूप निकली हुई है तो इट्स प्रीटी नाइस. ये है नेबरहुड एंड काफ़ी शांत एरिया है. यहाँ ज़्यादा लोग दिख नहीं रहे हैं, आइसोलेटेड सा लग रहा है थोड़ा. आई डोंट नो इवनिंग टाइम की वजह से या एनी अदर रीज़न. तो यहाँ पे ये बॉक्स है, इसको स्लाइडर के अंदर एक कोड डालना है. कोड है, कोड हैज बीन गिवन, आई वोंट रिवील दैट. एंड ये अंदर से चाबी, चाबी लेने के बाद में इसको हिसाब से जगह करके बंद कर दूंगा. और चाबी हमारे पास ये रही. आपने देखा एक लाइक एक ऑटोमेटिक एंड विदाउट एनी मैनुअल इंटरवेंशन कैसे हमें की मिल गई. दैट्स द की टू सक्सेस. ये बिल्डिंग का एंट्रेंस है एंड ये है होम, द स्वीट होम. तो आइए देखते हैं हमारे वियना का होम टूर. एंड दिस इज द लिविंग रूम. एंड यहाँ पे आप सामने ही एक किचन भी देख सकते हैं. तो ओपन किचन है यहाँ पे, कॉफी मेकर है, ओवन है, इंडक्शन है. तो बेसिकली हम हमारा होममेड इंडियन फूड यहाँ बहुत अच्छे से एंजॉय कर सकते हैं. क्योंकि ट्रैवलिंग में वन टिप, आप थोड़ा अपना खुद का सामान कैरी करेंगे तो आपको ज्यादा इजी पड़ेगा टू यू नो यू हैव मोर टाइम टू ट्रैवल रादर देन सिटिंग इन रेस्टोरेंट्स फॉर 2 आवर्स. यहाँ डाइनिंग एरिया है और यहाँ हमारा सोफा है. यहाँ हम आराम से शाम को बैठ के काफी टाइम स्पेंड कर सकते हैं. साथ में टीवी एज यूजुअल है एंड डेकोर काफी मॉडर्न सा है यहाँ पे, मॉडर्न एंड रस्टिक बोथ. इट्स अ गुड मिक्स. एंड चलिए अंदर बेडरूम में चलते हैं. एंड वाओ, दिस इज एग्जैक्टली लाइक इन द ओल्डन मूवीज, जैसे यूरोपियन एक यू नो आपके माइंड में होता है कि यूरोपियन घर कैसा लगेगा, एकदम वैसा लग रहा है. आई थिंक दिस इज मच बेटर देन होटल्स, कंसिडरिंग कि आप अगर होटल में जाओ तो आपको वही एक स्टैंडर्ड रूम हर जगह दिखता है. यहाँ हम इस एयरबीएनबी में आए तो हमें दिखता है कि ऑस्ट्रियन लोग कैसे रहते हैं, लिविंग द कल्चर. एंड लेट्स गो टू द मोस्ट इंटरेस्टिंग बिट. ये है बाथरूम एंड ओ माई गॉड, इट्स अ ह्यूज बाथरूम. एंड कैन वी हैव द लाइट्स समवेयर. सो दिस इज अ ह्यूज बाथरूम एंड इतने तो हमारे बेडरूम भी नहीं होते कई बार मुंबई में. आज माई फ्रेंड्स आर स्टेइंग ऑन रेंट, सो दिस इज ग्रेट. बाथटब भी है एंड 2 दिन है हमें यहाँ पे, डेफिनेटली इसका 100% यूज होना है. तो अब हम थोड़ी देर रेस्ट करके बाहर आ गए हैं. खाना पीना हमने थोड़ा सा कर लिया एंड अब हम निकल गए हैं ओल्ड टाउन एक्सप्लोर करने के लिए. तो लाइक आई सेड अगेन, हम शॉनब्रन पैलेस के पास हैं एंड अब हम जा रहे हैं शायद ट्रैम से. ये है ट्रैम, ऑल्दो दिस इज नॉट द ट्रैम जहाँ हमें जाना है. यहाँ हमने नोटिस किया कि यहाँ लेफ्ट हैंड ड्राइव है
and usually people are polite here. It's a pleasant experience. यहाँ का पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम बहुत सही है, बहुत टाइमली आता है, बहुत कंफर्टेबल है एंड बहुत वेल कनेक्टेड है। यहाँ पे ट्राम्स, बसेस, अंडरग्राउंड मेट्रो, कुछ जगहों पे ओवरग्राउंड मेट्रो ऑल्सो, सो बहुत बढ़िया सिस्टम है, कन्वीनियंट है। आपको यहाँ पे ऑटो टैक्सी की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। पता नहीं इंडिया में ये सब आने में कितना टाइम लग जाएगा, बट आई होप सो। ट्रेन में आ चुके हैं एंड दिस इज आवर लुक्स। थोड़ी देर में यहाँ ट्रैम चेंज करेंगे एंड वी आर गोइंग टू एक्सप्लोर ओल्ड टाउन। एंड जैसे कि हमने बोला कि क्योंकि हमारे पास टुडे पास है, ये पूरी ट्रैम राइड फ्री है हमारे लिए, तो दो दिन के लिए हमें टिकट लेने की कोई टेंशन नहीं। पर देख के बिल्कुल ऐसा लग ही नहीं रहा है कि इस वक्त इतनी शाम हो गई। आप देखेंगे काफ़ी सनलाइट है यहाँ पे एंड इसका मेन रीज़न ये है कि ये समर टाइम है यहाँ का एंड यहाँ पे डेज लॉन्गर होते हैं। इनफैक्ट जैसे जैसे जून आता जाएगा दिन और जल्दी स्टार्ट होके और लेट है। देख सकते कितना सुंदर नज़ारा है, पीछे हार्ड वर्क भी दिख रहा है, ट्यूलिप फ्लावर्स भी है वहाँ पे वेटिंग। आप देख सकते हैं यहाँ पे तीन ट्रैम एक साथ एक क्रॉसिंग पे थे एंड ऑन द राइट आप देखेंगे यहाँ ट्यूलिप फ्लावर्स है। डिफरेंट टाइप की ट्रैम लग रही है, नॉन एसी तो नहीं है, नॉन एसी है, ट्रांसपोर्ट तो नहीं लग रहा है, ये प्राइवेट रेंटल ट्रैम लग रही है। यस, ये थोड़ी हेरिटेज और डिफरेंट लग रही है। फैशन वैशन सब बहुत ज़्यादा ठंड हो रही है तो लगा लिया हमने यहाँ पे कैब एंड नाउ वी आर गोइंग डाउन और हम जा रहे हैं कैथीड्रल की तरफ। उसके लिए जैसे कि हमने बोला था हम दो पब्लिक ट्रांसपोर्ट लेंगे, तो अभी हमने ट्रैम ली थी एंड अब हम लेंगे ट्रेन। अभी मैंने कई सारे पेट्स को भी स्टेशन और ट्रेन के अंदर देखा, लाइक ये इंडिया में तो बिल्कुल ही अलाउड नहीं होता कि आप पेट्स को ट्रेन में लेके आओ, इंसान को खड़े रहने की जगह नहीं होती है और पेट्स को कहाँ ही होगी। सो स्पेशियस है यहाँ पे, बैठने के लिए बहुत जगह है, खाली एक जगह हमें थोड़ी ज़्यादा भीड़ लगी, बट अदरवाइज पब्लिक ट्रांसपोर्ट इज़ वेरी एम्प्टी। नाक एकदम ठंडी हो गई है क्योंकि शाम को बहुत ठंड है यहाँ पे। ठीक है, नॉर्मल लोगों को यहाँ ठंड लगेगी, जिनको ठंड नहीं लगती लाइक उनको नहीं लगेगी। इस वक्त हम जब निकले थे तब 12 डिग्री होगा, अब तो और 10 डिग्री हो गया होगा, तो गाइस मुंबई वालों को जो 38 डिग्री तय होने ठंड लगेगी यहाँ पे, लेस देन हाफ है यहाँ पे टेम्परेचर। यहाँ से एग्जिट करते ही मेट्रो से हम बाहर निकले तो हमें दिखा सेंट स्टीफन कैथेड्रल जो यहाँ का सिटी सेंटर है एंड दिस इज लाइक द मेन स्क्वायर। काफी बसलिंग विद एक्टिविटी है ये जगह एंड अगर आप वियना सर्च करेंगे तो ये दिस इज द मोस्ट आइकॉनिक प्लेस ऑफ वियना, दिस इज व्हाट सिंबलाइजेस वियना। जैसे यहाँ दिन ढलता जा रहा है, जैसे अभी यहाँ पे 7:45 हो गए हैं, तो वैसे वैसे यहाँ ठंड और बढ़ती जा रही है एंड कुल्फी जम रही है, बट
But the place is really nice. And one thing I really liked about Austria and Vienna particularly is कि यहाँ बहुत खुला खुला आसमान हर जगह देखने मिलता है. यहाँ buildings की size इतनी लंबी नहीं है. जैसे London में आप जाओ तो थोड़ा cramped लगता है. Even Paris to a great extent. Personally मुझे वैसा लगा. बट यहाँ इतने ओपन स्काइज देख के बहुत अच्छा लगा. तो यहाँ भी रिक्शा होती है, थोड़ी अलग टाइप की, स्टाइलिश एकदम, ग्लिटरी सी एंड एकदम हेरिटेज बिल्डिंग्स और मॉडर्न का एक फ्यूजन आप देख सकते हैं. यहाँ पे लेफ्ट में हेरिटेज बिल्डिंग्स है एंड राइट में एकदम मॉडर्न बिल्डिंग्स है एंड येट समहाउ बहुत अच्छे से ब्लेंड कर रही है साथ में. इस वक्त अब 8:15 हो रहे हैं एंड इस वक्त भी अच्छी खासी लाइट निकली है एंड मौसम बहुत अच्छा है. यहाँ यूरोप में आपको ओपन कैफेज का भी बहुत कॉन्सेप्ट दिखेगा. यहाँ पीछे सड़क के बीचों बीच ही ओपन कैफे है एंड बेस्ट पार्ट इसकी क्योंकि यहाँ पॉल्यूशन कम है तो यहाँ पे बाहर खाने में भी अच्छा लगता है. इंडिया में तो इतनी धूल मिट्टी होती है कि आउटडोर कैफे और धूल वाटर एक इम्पॉसिबिलिटी सी ही होती है. हमें घूमते घूमते कुछ इंटरेस्टिंग सी चीज़ देखने को मिली और वो थी ये ब्लू कलर का खंभा. ये क्या है? ये है पानी भरने के लिए जगह. सो आप अपने यहाँ पे बॉटल्स लेके घूम रहे होंगे, आपको कहीं बाहर से पानी खरीदने की जरूरत नहीं है, आप बस यहाँ से पानी भर लीजिए एंड पी लीजिए. पीछे बहुत ही सुंदर लाइट्स एंड ये थोड़ा वेनेशियन, अगर आपने देखा है वेनेशियन में वो ऊपर एक फेक स्काई लगता है, ये थोड़ा वैसा लग रहा है. वहाँ पे जा रही है एंड इतनी प्रिटी बिल्डिंग्स एंड इतना लिट एरिया. चलो चलो ब्रांड्स भी ये स्टोर ये स्क्वायर में देखने मिल रहे हैं. H&M है यहाँ पे. हाँ वहाँ हमने ज़ारा भी देखा था. एकदम सिटी सेंटर के वहीं सामने एक शॉप है. बट यूजली मार्केट में ये सब चीज़ें थोड़ी सस्ती मिलती है. तो हम वहाँ एक्सप्लोर करेंगे. इन जगहों पे लाइव म्यूजिक भी बहुत फ्रीक्वेंटली देखने को मिलते हैं. लोग अपने आप बैंड म्यूजिक कुछ ना कुछ लेके आ जाते हैं, बीच में जाते हैं, उससे एकदम मूवी वाली फीलिंग आती है कि बैकग्राउंड म्यूजिक चल रहा है, आप इतने ब्यूटीफुल एनवायरनमेंट में खड़े हो, बहुत अच्छी फीलिंग आती है. हम आ गए सेंट स्टीफन कैथेड्रल के अंदर एंड इट इज़ ह्यूज. बाकी ग्लास विंडोज देख के एकदम हॉगवर्ट्स लग रहा है. मतलब लिटरली हॉगवर्ट्स के हॉल्स जैसा लग रहा है एंड बहुत ही ब्यूटीफुल आर्किटेक्चर है. अंदर घुसते ही पहला वर्ड जो निकला हमारे मुंह से तो वो था वाओ. सेंट स्टीफन चर्च वियना के एकदम बीचों बीच है और ये बना था अराउंड 13th सेंचुरी में. इस चर्च के चार टावर्स हैं, जिसमें सबसे लंबा है साउथ टावर जो 500 फीट लंबा है. इस चर्च में गॉथिक आर्किटेक्चर आपको दिखेगा जो 12 से 16 सेंचुरी के बीच में मशहूर हुआ था. सैडली अप्रैल 1945 में ये चर्च वर्ल्ड वॉर टू की बॉम्बिंग में तबाह हो गया था. यहाँ बहुत सारे फेमस एम्परर्स जैसे कि फ्रेडरिक III का बरियल या अंतिम संस्कार किया गया था. ओल्ड टाउन एक्सप्लोर करते करते हम आ गए सोविनियर शॉप के अंदर और यहाँ की इंटरेस्टिंग चीजें देखने. हेलो वंडरिंग डैड. अभी हमने जो है ये चर्च के सामने बहुत बड़ी सोविनियर की शॉप नजर आई तो देखने के लिए आए. मुझे बड़ा हैरानी हुई कि ये रक्षाबंधन पे इंडिया में 10-10 रुपये के धागे बिक रहे होते हैं, यहाँ पे जो है ये सारे 500 रुपये का भी धागा बिक रहा है ये सोविनियर के दाग पे. और देखो यूरोप में लोग साइकिलिंग करने के बहुत ही शौकीन होते हैं, इसीलिए यहाँ की लोकल मेट्रोज और पब्लिक ट्रांसपोर्ट में साइकिल लेके जाना अलाउड होता है. अब हम वापस घर की तरफ जा रहे हैं. हमने वो ट्रेन पकड़ी है जो अभी हमें ट्रैम स्टेशन के पास पहुंचा देगी जहां से हम घर जाएंगे.
एकदम लोकल जैसे घूम रहे हैं हम यहाँ पे सारा पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज करके, एंड इट्स अ रियली गुड एक्सपीरियंस। 60 जो हमने हमारे एयरबीएनबी पे उतरने के लिए ली है, अब हम उतर गए एंड यहाँ से हमारा घर हार्डली 350 मीटर्स दूर है, तो हम वहाँ जाएंगे एंड हमारा आज का फर्स्ट डे ऑलमोस्ट ओवर हो गया है। अगले एपिसोड और वियना के डे टू में हम करेंगे एक्सप्लोर यहाँ की मार्केट्स, गार्डन्स, पैलेसेस एंड मच मोर, द ट्रू कल्चर ऑफ वियना। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो प्लीज लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर नोटिफिकेशंस। अंटिल देन, कीप ट्रैवलिंग, कीप एक्सप्लोरिंग एंड कीप वंडरिंग।